मैं आपका होस्ट यासिर आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हर ऑफिस होंगे। व्यूअर्स, मैं आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूं इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में। जी जे इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ कैसी जाती है, महंगाई एकदम से ज्यादा कैसे हो जाती है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी रीजंस हैं। अगर आप एक घर चलाते हैं और आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं या लोअर क्लास फैमिली से, तो महंगाई का या इन्फ्लेशन का आपके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत गहरा असर होता है। तो मैं उस हवाले से आज डिटेल में बात करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इन्फ्लेशन जो होती है ये दो टाइप्स की होती है, एक कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन इसको हम बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होती है ये जुड़ी होती है सप्लाईज के साथ, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो होती है ये जुड़ी होती है डिमांड के साथ। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जैसे ही मार्केट में प्राइसेस ऊपर आती हैं, आप देखते हैं कि इन्फ्लेशन रेट भी ऊपर आता है और साथ महंगाई भी बढ़ जाती है। यानी कि तो जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ती है, जैसे कीमतें कम होती हैं महंगाई कम होती है। अब हम कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में अगर बात करें तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में मिसाल के तौर पर अगर आप घर में बहुत सारी चीजें रोजमर्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अगर आप अपने राशन के सामान में देखें तो सर्फ, चाय वगैरह, शुगर, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो इन चीजों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, इन चीजों को बनाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, वो बाज़ात अगर आपको अपने मुल्क से मिल रही हैं, यहीं पे प्रोड्यूस हो रही हैं, यहीं पे बन रही हैं, तो उसकी कीमतें एकदम से नहीं बढ़ती। और अगर वो चीजें आपका मुल्क जो है कहीं दूसरे कंट्री से मंगवा रहा है, बाहर के मुल्कों से दरामद कर रहे हैं, तो फिर उसकी प्राइसेस डायरेक्टली जो है वो डिपेंड कर रही होती है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। और इंटरनेशनली अगर बात की जाए तो इंटरनेशनली जितनी भी चीजें खरीदी जाती हैं वो डॉलर्स में खरीदी जाती हैं, इसलिए डॉलर का रेट अगर ऊपर आए तो महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, क्योंकि हम चीजें बनाने के लिए जो चीजें हैं वो बाहर से मंगवा रहे होते हैं, और अगर डॉलर हमें ज़्यादा पे करने पड़े, उस अगर उसका रेट ज़्यादा हो जाए तो चीज़ें हमें महंगी मिलती हैं, और जब वो महंगी मिलेंगी इसलिए पाकिस्तान में जो चीज़ें बनेंगी वो फिर महंगी होंगी, क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, होगी कुव्वत खरीद से फिर वो बाहर चली जाती हैं, तो महंगाई ऊपर आ जाती है, इन्फ्लेशन रेट ऊपर आ जाता है। अगर हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जो कीमतें होती हैं, प्राइसेस होती हैं, वो डिमांड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपका मुल्क तरक्की कर रहा है और लोग अमीर हो रहे हैं, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, तो जाहिरी बात है चीज़ें खरीदने की डिमांड भी ज़्यादा होगी। जब डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में उस चीज़ की शॉर्टेज होगी, सप्लाई कम होगी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से, तो तब भी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज करती हैं, तो महंगाई ज़्यादा होती है और इन्फ्लेशन रेट हमारा बढ़ता है। इसी तरह अगर मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो उससे भी डिमांड के ऊपर असर पड़ता है, चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है और मार्केट में वो चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं डिमांड ज़्यादा होने की वजह से, तब भी उनकी प्राइसेस बढ़ती हैं और महंगाई जो है वो हमारे मुल्क में बढ़ती है। अगर मुल्क में तमाम चीज़ें जो बननी हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ों की प्राइसेस एकदम से बढ़ जाएं तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। अगर किसी एक चीज़ की मिसाल तौर पर सर्फ की एग्जाम्पल ले लें, आप घर में इस्तेमाल करते हैं, अगर उसकी प्राइस एकदम से बढ़ जाती है और बाकी चीज़ों की प्राइस नहीं बढ़ती, तो ये इन्फ्लेशन नहीं होगी, ये महंगाई नहीं होगी, वो एक स्पेसिफिक एक चीज़ की प्राइस बढ़ी है। अगर वहीं पर उसी मार्केट में बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस एकदम से बढ़ जाती हैं तो महंगाई ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्लेशन रेट ओवरऑल उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है तो वो राइज कर जाता है। व्यूअर्स, ये दो टाइप्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इनके साथ दो और मजीद चीज़ें भी जुड़ी होती हैं, मैं जाते जाते ब्रीफ आपको उसके बारे में बता देता हूँ। उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं और स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं और स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अब डिफ्लेशन होती है कि जब कीमतें कम हों, महंगाई कम हो, तो वो उसको हम बोलेंगे डिफ्लेशन, यानी कि महंगाई का तनासब कम हुआ, ओवरऑल चीज़ों की प्राइसेस कम हुई हैं। अगर हम स्टैगफ्लेशन की बात करें तो स्टैगफ्लेशन होता है कि अगर मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, मुल्क की इकॉनमी तरक्की नहीं कर रही, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है यानी बेरोजगारी भी ज़्यादा हो रही है और साथ चीज़ों की कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो उस उन दोनों चीज़ों को मिला के जो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन रेट होगा उसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। आई होप व्यूअर्स, मैंने वीडियो में कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश की, लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर एज सून एज पॉसिबल करूँ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से बात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, थैंक यू वेरी मच।